बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम योर साइंस टीचर फ्रॉम द रीडर स्कूल हफ्जाबाद। सब्जेक्ट साइंस, यूनिट नंबर 10। लेट्स स्टार्ट अवर फोर्थ लेक्चर। टॉपिक सर्किट्स एंड स्विचेस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू कि सर्किट्स क्या होते हैं और स्विचेस क्या होती हैं। सर्किट्स इज़ द पाथ अलोंग विच इलेक्ट्रिसिटी फ्लो। सर्किट्स वो पाथ होता है, वो रास्ता होता है जिस पे इलेक्ट्रिसिटी जो है फ़्लो करती है, और इलेक्ट्रिसिटी को फ़्लो करने के लिए क्लोज और कंप्लीट सर्किट की ज़रूरत होती है, या कंप्लीट पाथ की ज़रूरत होती है। सर्किट्स दो तरह के होते हैं, कंप्लीट और इनकम्प्लीट। कंप्लीट सर्किट वो होता है जिसमें कोई गैप नहीं होता, और इनकम्प्लीट सर्किट वो होता है जिसमें गैप होता है। इसके अलावा सर्किट्स की और भी टाइप्स हैं, सीरीज सर्किट्स और पैरेलल सर्किट्स। सेकेंड वन इज़ स्विचेस। स्विच क्या होते हैं? स्विचेस कंट्रोल द फ्लो ऑफ करंट। आपने जैसे कि अपने घर में स्विच बटन्स देखे होंगे, आप लाइट ऑन या ऑफ करने के लिए बटन को ऑन ऑफ करते हैं, इससे लाइट कभी बंद हो जाती है, कभी खुल जाती है, तो वो क्या होते हैं? वो स्विचेस होते हैं। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट वी यूज़ एवरी डे। हाउ मैनी थिंग्स इन योर होम और स्कूल यूज़ इलेक्ट्रिसिटी टू वर्क? If you start counting, you will end up with a long list of electrical appliances that help make our life easier. यानी कि आपने अपनी डेली रूटीन में देखा होगा, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो इलेक्ट्रिसिटी से ना चल रही हो। आपके फैंस इलेक्ट्रिसिटी से चल रहे हैं, आपकी लाइट इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ऑन हो रही है, आप कंप्यूटर्स पे काम कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, आपको इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ रही है। कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट सर्किट्स। द पाथ अलॉन्ग विच इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज इज कॉल्ड अ सर्किट। वो पाथ जहाँ इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, उस पाथ या उस रास्ते को सर्किट बोलते हैं। इलेक्ट्रिसिटी नीड्स अ कम्प्लीट सर्किट टू फ्लो, दिस इज कॉल्ड अ कम्प्लीट और क्लोज सर्किट। इसे कम्प्लीट सर्किट भी बोलते हैं और क्लोज यानी कि ये बंद होता है, क्लोज सर्किट भी बोलते हैं। इफ देर इज़ अ गैप और ब्रेक इन अ सर्किट, द इलेक्ट्रिसिटी विल नॉट फ्लो थ्रो इट, दिस इज कॉल्ड एन इनकम्प्लीट और ओपन सर्किट। जैसे कि आप इस पिक्चर में देखें, तो ये एक सर्किट है, इसमें ये देखें यहाँ पे नीचे ये गैप है, जिसकी वजह से ये एन इनकम्प्लीट सर्किट है। स्विचेस। समटाइम्स वी वांट द इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो, समटाइम्स वी वांट इट टू स्टॉप फ्लोइंग। फॉर एग्जांपल, यू वांट टू टर्न ऑन अ लाइट बल्ब एट नाइट बट टर्न इट ऑफ ड्यूरिंग द डे। टू डू दिस यू नीड अ स्विच। यानी कि कभी हम चाहते हैं कि हम लाइट को ऑन करना या ऑफ करना, उसके लिए हम स्विच को यूज़ करते हैं। अ स्विच इज़ अ डिवाइस और कनेक्शन दैट इज़ यूज टू टर्न एन इलेक्ट्रिकल अप्लाइंस और ऑन और ऑफ। स्विचेस कंट्रोल द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। व्हेन द स्विच इज टर्नड ऑफ, द सर्किट बिकम्स इनकम्प्लीट सो द अप्लाइंस स्टॉप्स वर्किंग। जैसे कि अगर आपका सर्किट कम्प्लीट नहीं है, ये आप इस में देखें, आपका ये सर्किट कम्प्लीट नहीं है, यहाँ पे गैप है, तो करंट फ्लो नहीं कर रहा, आपका बल्ब जो है वो रोशन नहीं होगा। इस ये सर्किट देखें, इस इधर ये एक कंप्लीट सर्किट की एग्जांपल है, यहाँ पे देखें कोई गैप नहीं है, बैटरी भी लगी हुई है, फ्लैक्स भी है, स्विच भी है, आप स्विच ऑन करेंगे तो आपका बल्ब जो है वो रोशन हो जाएगा या ऑन हो जाएगा। सीरीज एंड पैरेलल सर्किट्स। ये सर्किट्स की टू टाइप्स हैं, सीरीज एंड पैरेलल। अ सिंपल सर्किट हैज़ थ्री पार्ट्स, अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अ वायर टू कैरी द करंट एंड एन अप्लायंस लाइक अ बल्ब। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ सिंपल सर्किट। यानी कि ये एक कम्प्लीट सर्किट की एक एग्जाम्पल है, कि उसमें एक स्विच होता है, एक बैटरी होती है, एक अप्लायंस होता है, यानी कि एक अप्लायंस यानी कि बल्ब, जिसको आपने रोशन करना है। कर्स अप्लायंस लाइक लाइट बल्ब आर कनेक्टेड टू वन आफ्टर एनदर। सीरीज सर्किट में करंट अप्लायंस में बल्ब जो हैं वो एक के बाद एक अटैच होते हैं। द करंट हैज़ ओनली वन पाथ टू फ्लो अलोंग, सो वन बल्ब इज रिमूव द सर्किट ब्रेक्स एंड ऑल द अदर बल्ब स्टॉप वर्किंग। यानी कि सारे बल्ब एक साथ लगे हुए होते हैं सीरीज में, अगर आप एक बल्ब को रिमूव कर देंगे तो बाकी के जो बल्ब हैं वो ऑन नहीं होंगे, वो भी बंद हो जाएंगे। The bulbs have to share the energy, so each bulb gets less energy and glows less brightly. तो हर बल्ब जो है उसको लेस एनर्जी मिलेगी, क्योंकि ये एनर्जी शेयर करते हैं,
इस तरह ये जो है ग्लो वो भी लेस ब्राइटली होगा उनका. पैरेलल सर्किट, इन अ पैरेलल सर्किट द करंट डिवाइड्स इनटू टू मोर पाथ्स बिफोर गोइंग बैक टू द बैटरी और द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. पैरेलल सर्किट में जो है पाथ डिवाइड हो जाता है सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से. इफ़ यू रिमूव वन बल्ब फ्रॉम दिस सर्किट द अदर विल स्टे लिट अप बिकॉज ईच पाथ इज कम्प्लीट सर्किट. पैरेलल सर्किट में टू पाथ होते हैं लेकिन वो दोनों पाथ जो हैं वो क्लोज्ड होते हैं और कम्प्लीट सर्किट होता है, इसलिए अगर आप एक बल्ब रिमूव भी कर देंगे तो दूसरा वाला बल्ब जो है वो ऑफ नहीं होगा. देर इज़ मोर देन वन पाथ फॉर द करंट टू फ्लो अलोंग. द बल्ब डू नॉट शेयर एनर्जी विद वन एन अदर सो ईच बल्ब ग्लोज मोर ब्राइटली देन इन अ सीरीज सर्किट. इस पैरेलल सर्किट में बल्ब एक दूसरे के साथ एनर्जी शेयर नहीं करते, इसलिए हर बल्ब जो है वो सेपरेटली और इंडिपेंडेंटली ब्राइटली जो है ना ग्लो करता है. ये देखें कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स. कंडक्टर्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट फ्लो थ्रू ऑल मटीरियल्स. के इलेक्ट्रिसिटी तमाम मटीरियल्स में से नहीं गुजर सकती. इफ़ अ मटीरियल अलाउज इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इट, इट इज़ कॉल्ड कंडक्टर. यानी कि ऐसा मटीरियल जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाए उसे क्या कहते हैं? कंडक्टर. अ मटीरियल्स डैट डज नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इट, इट इज़ कॉल्ड एन इंसुलेटर. तो ऐसा मटीरियल जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को ना पास करने दे उसे कहते हैं इंसुलेटर. कंडक्टर्स आर यूज टू कैरी करंट्स. कंडक्टर्स जो हैं वो करंट कैरी करने के लिए यूज़ होते हैं. इंसुलेटर्स आर यूज फॉर सेफली एज इलेक्ट्रिसिटी इज़ डेंजरस. इंसुलेटर्स जो है वो यूज़ होते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो डेंजरस है. कंडक्टर्स और इंसुलेटर ये कुछ एग्जांपल्स हैं. कंडक्टर्स कौन कौन से होते हैं? सिल्वर, कॉपर, आयरन, एलुमिनियम, गोल्ड, ये कंडक्टर्स हैं. इनमें से करंट पास हो सकता है. ये देखें इंसुलेटर्स, इसमें आ जाता है प्लास्टिक, वुड, रबर, पेपर, ग्लास. ये सब ऐसी चीज़ें हैं, ये इंसुलेटर्स हैं, इनमें से करंट पास आउट नहीं होता. आंसर क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं. क्वेश्चन नंबर वन देखें. डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स. कि आपने डिफाइन करना है इन टर्म्स को. कंडक्टर, कंडक्टर क्या होता है? अ मटीरियल डैट अलाउज इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इट कॉल्ड कंडक्टर. इंसुलेटर, अ मटीरियल डैट डज नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इट, इट इज़ कॉल्ड इंसुलेटर. थर्ड वन देखें, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी डैट मूव्स अलोंग अ वायर इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक करंट. कि इलेक्ट्रिसिटी जो वायर के जरिए मूव कर रही है उसे क्या कहते हो आप? इलेक्ट्रिक करंट. सर्किट क्या होता है? द पाथ अलोंग विच इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज इज कॉल्ड द सर्किट. कि वो रास्ता जिसके जरिए इलेक्ट्रिसिटी पास होती है उसे आप क्या बोलते हो? सर्किट. होमवर्क देखें. ये रीडिंग आपने अच्छे तरीके से लर्न करनी है और क्वेश्चन नंबर वन अच्छे से करना है. थैंक यू.